अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जनाब? ठीक हैं, खैरियत से सब भाई? ठीक हैं सब? मेरे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम, तमाम दोस्तों को आदाब, और मेरे तमाम बाहर से मुल्क में हिंदुस्तान से जहां भी हैं मेरे दोस्त, सबको मेरी तरफ़ से सलाम हूँ। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ देरों दे दे। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करते रहें और बेल आइकन भी दबाएं। आज मेरी वीडियो का मौजू है 12 वोल्ट की सप्लाई। मोहतरम, ये 12 वोल्ट की एक सप्लाई है और इसमें अंपायर होते हैं यहाँ पे लिखे हुए, ये देखें। अगर आप इस तरह देखें कि भाई इसमें आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसको चलाने का तरीका भी देखेंगे। देखें, इसके अंदर तकरीबन अंपायर इसके साथ लिखे हुए हैं 15 अंपायर। अगर इसके अंदर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या 18 से 20 अंपायर तक बन जाती है ये सप्लाई, और इसे आप वाटर पंप जो है तकरीबन आपके घर के अंदर 20 फुट 30 फुट 60 फुट तक पानी होगा, वो ज़मीन जेर ज़मीन से पानी खींचेगी और वाटर सप्लाई का पानी भी ये सप्लाई खींचेगी। और दूसरी हवाले से, ये कबाड़ के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, सब्सक्राइब के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि भाई इसका वज़न तकरीबन 1 किलो 400 ग्राम है। और ये जनाब तार वाली सप्लाई कहते हैं इसको, ये कंप्यूटर के अंदर होती है, ये तार वाली सप्लाई है जनाब, ये मुकम्मल जिसके साथ ये तारें लगी होंगी, ये वाली तारें आप देख रहे हैं। फिर इसका रेट बढ़ जाएगा, मिसाल पाकिस्तान के अंदर इसका रेट इस वक्त चल रहा है मेरे दोस्त तकरीबन 500 रुपये के जी के हिसाब से, 450 से 500 रुपये के जी के हिसाब से, लोहे के रेट के साथ और कापर के साथ ये चलती है। अगर कापर का रेट अप हो जाएगा तो इसका रेट भी अप हो जाएगा, अगर लोहे का रेट अप हो जाएगा इसका रेट भी अप हो जाएगा। इसके साथ ही अगर इस सप्लाई से ये तारें काट दी जाएँ तो इसका रेट कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी एवरेज होती है तकरीबन 150-200 रुपये इसकी एवरेज बन जाती है। और इसको तारों के साथ अगर दे दिए जाए तो ये तार के साथ इसके रेट ज़्यादा होगा, और तैयार तार के अलावा अगर इसको फरोख्त करेंगे तो इसका रेट कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं तार वाली सप्लाई। और दूसरी जो सप्लाई है उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह तफसील से बनाऊँगा, तो आप इस मेरे वीडियो को देखें और आगे भी शेयर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।